हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। मेरे बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वेल गाइस, यहाँ पे शेडर भी यूज़ किया है मैंने, और भाई लगातार 1.5 महीने से मैं बना रहा था, यू नो गाइस, रोज़ करके थोड़ा थोड़ा भाई। तो टू बी हॉनेस्ट यार, बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है ये बनाने में। IPL आज से स्टार्ट हो रहा है, टाटा IPL 2023, और पहला मैच है गुजरात बनाम चेन्नई, हार्दिक पांड्या बनाम महेंद्र सिंह धोनी। भाई यही स्टेडियम में खेला जाने वाला, और यहाँ पे देखो ये साबरमती रिवर है। सबसे पहले रियल में भी जैसा है मैंने वैसी कोशिश की है कि आप सबको मैं प्रेजेंट कर पाऊँ यार, फिर भी कुछ कचाश रह गई हो तो सॉरी यार, बहुत मेहनत लगा गई टू बी हॉनेस्ट। ठीक है, मैंने बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें से ये एक है। एंड डाउनलोड के लिए ना हमारा लाइक गोल है 1K likes, प्रिटी बिग आई नो, बहुत बड़ी मार्जिन है, बट यस ये करना होगा अगर डाउनलोड से। तो VR क्रिएटिविटी को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे स्टेडियम के बाहर ना सीधा सामने ट्रेनिंग नेट्स है। तो भाई तो, जब भी इंडिया की मैचेस होती है या फिर IPL की मैचेस होती है तो यू नो यहाँ पे प्लेयर प्रैक्टिस वगैरह करते, तो ये नेट से, और यहाँ से भाई व्यू देखो आगे का। मैं रियल फ़ोटो भी डाल रहा हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ भाई मैंने रियलिस्टिक बनाया है, मेहनत किया है। ठीक है, तो ये फ़ोटो देखो गाइस, साथ ही में कंपेयर करो, रेट करो इस स्टेडियम को, कमेंट करो, सुपर थैंक्स करो, जो भी आपसे हो सके वो करो, लेकिन लाइक ज़रूर से करना। अगर ये सब में से आप कुछ ना कर पाओ तो ठीक है भाई, और बड़ा वीडियो है, पहले ही बता रहा हूँ 31 मिनट्स का वीडियो है, क्योंकि विद इंटीरियर बनाया हूँ, तो पूरा देखेगा। एंड ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि भाई रियलिस्टिक बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे गाइस आप। ज़रूर से एक बार अंदर जाऊँगा तब आपको पता चलेगा कि भाई क्या स्टेडियम है। तो यहाँ पर जैसे क्रिकेटर लोग बैटिंग करते हैं, सामने कैमरेज भी होते कभी कभी, यू नो, टू मार्क देयर मिस्टेक्स और टू सी द शॉट्स कि भाई कौन सा अच्छा है, इनका प्लस पॉइंट है, कौन सा माइनस पॉइंट है, तो ये सारा ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी ट्रेनिंग सेशन की। अब बात है ये पूरा जो मोटेरा जो स्टेडियम है, वैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहले जो नाम था वो अलग था, ठीक है, जिसके अंदर हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है, कॉमेंट्री बॉक्स है, एवरीथिंग इज़ बीन इंक्लूडेड। ये इतना बड़ा नक्शा है जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे इतना सारा है। तो बीच में आपको स्टेडियम दिख रहा है, ऊपर साबरमती रिवर है, फिर नेट्स, फिर दो और मैदान है नीचे जो कि प्रैक्टिस ग्राउंड्स है, ठीक है, जहाँ पे प्रैक्टिस चलती रहती है, एंड इंडोर स्विमिंग पूल, जिम, फिर शूट एरिया, फिर इमरजेंसी एग्जिट्स एंड एवरीथिंग। अब यहाँ से व्यू देखो तो आपको पता चलेगा, और यहाँ से देखो तो कितना अच्छा दिख रहा है भाई। तो ये लेवल जो है, जो लेयर्स है, आर बीन क्रिएटेड, ठीक है, यहाँ पे बस भी है, देख रहे हो पूरा आजू बाजू रोड्स है एंड ट्रीज भी है, तो सारी चीज़ें रियल बनाई है। और यहाँ से हम एंटर करेंगे मेन पॉइंट जो है, ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स का अलग रास्ता है जाने का, एंड इसके यहाँ से भी हम जाएंगे, और ये है कॉमेंट्री बॉक्स का रास्ता भाई, और स्टेडियम ज़ीरो लेवल पर भी जाएंगे अंदर, एवरीथिंग आई विल शो यू, बट इस वीडियो को पूरा देखेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई। टू बी हॉनेस्ट आपको बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, और गुजरात में है, हैंडल बाय द गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन GCA, तो यहाँ पे बैनर्स भी लगे हैं, IPL चल रहा है भाई, तो ऑफकोर्स स्टेडियम विल बी फुल्ली डेकोरेटेड विद द IPL बैनर्स, ठीक है, और काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे ऑटोमेटिक गेट है जैसे ही हम जाते हैं, सेंसर टाइप, और ये जो है स्टेडियम का फर्स्ट फ्लोर लीड करेगा, जितने भी पब्लिक है। वैसे देखो एंट्रेंस मैंने ड्रेसिंग रूम है ना सामने बनाया है, तो भाई ये व्यू देखो गाइस, ये व्यू देखो, ये ग्राउंड भी देखो, आपको कलर अलग दिखेगा। ग्राउंड में भी मैंने डिज़ाइन बनाया है, जैसे रियल ग्राउंड में डिज़ाइन है ना ग्रास का जो कट किया जाता है, तो यहाँ पर भी मैंने डिज़ाइन बनाई है भाई। तो मतलब बहुत मेहनत लगा है यार, सो 1K likes तो बनता है इफ़ यू वॉन्ट डाउनलोड्स फॉर द स्टेडियम, ठीक है, और आई प्रोमिस कि आपको डाउनलोड दूंगा, बट 1K likes पे। हाँ, ऊपर देखे तो वो जो लाइट्स है वो है, और ये व्यू देखो 360 व्यू, जो डिज़ाइन मुझे सबसे ज़्यादा टाइम ना ये टॉप फ्लोर बनाने में गया था, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है जो सीट्स की वो बहुत ज़्यादा टफ थी टू मेक, यू नो, हर एक जगह से शेप देना,
कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग वॉज वेरी हार्ड। और एक बार टॉप व्यू दिखा देता हूँ ठीक है आप सबको। और ये शेडर देखो काफ़ी बढ़िया शेडर है। ड्रेसिंग रूम भी दिखाऊंगा और इंडोर जितनी भी चीज़ें हैं जितनी भी फैसिलिटीज़ मेरे से बन पाई है ठीक है वो सारा दिखाऊंगा। तो ये टॉप व्यू देखो सबसे पहले तो भाई एकदम रियलिस्टिक एकदम मैच्ड टू द नरेंद्र मोदी स्टेडियम और GCA लिखा हुआ है ऊपर जो कि रियल में भी है। और सामने आपको दिखेगी साबरमती रिवर जो GCA है वो साइड पे इस तरफ ठीक है। और भाई क्या ही व्यू है देख रहे हो गाइस। और ड्रेसिंग रूम में भी गाइस जो क्रिकेटर लोगों की बस होती है ना तो यहाँ पे भी हमने दो बसेस रखी है गुजरात टाइटन्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स की। तो यही दो टीम की पहली मैच है और यहाँ से भी व्यू देखो ये भी एकदम रियलिस्टिक है। तो उन टीम की बसेस भी है टीम के ड्रेसिंग रूम्स भी है सब कुछ बताऊँगा बट धीरे धीरे ठीक है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा भाई। और रिसेंटली जो मेरा बड़ा प्रोजेक्ट था वो मेरा घर था यानी कि नक्षत्र एम्बेसी। तो उसके बाद अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है तो ये आया है। वैसे बहुत प्रोजेक्ट्स है बट बड़े प्रोजेक्ट्स यानी कि जो टाइम कंज्यूमिंग होते जो हार्ड होते उसको मैं बड़ा प्रोजेक्ट में शामिल करता हूँ। अब बारी है हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में जाने की जो कि VVIPs के लिए होता है जो कि हॉस्पिटैलिटी में आप परचेज़ करके भी जा सकते हो। प्रीमियम सूट्स रूम होते हैं ठीक है। ये देखो सबसे पहले हम नीचे जाएंगे स्टेडियम ज़ीरो लेवल ओनली VVIP यानी कि कोई प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई नेता है कोई और है। ये देखो यहाँ पे भी मैप्स लगाए हुए हैं एंड GCA हर जगह IPL के बैनर्स एवरीथिंग। इस तरफ से कमेंट्री बॉक्स इस तरफ से कमेंट्री बॉक्स से भी ज़ीरो लेवल आ सकते बिकॉज यू नो आफ्टर इनिंग्स या फिर प्रेजेंटेशन में जब भी वो लोग आते हैं कोई भी जो आकाश चोपड़ा है या फिर हर्षा भोगले इंग्लिश की बात करें देन यहाँ पे नीचे आके दे हैव टू डू द इंटर एंड आउटर फॉर स्टार स्पोर्ट्स और दैट रिस्पेक्टिव जो भी है वो डिजिटल मीडिया ठीक है। तो भाई ये जो रहता है अब तो जियो सिनेमा पे IPL आएगा डिजिटल और हॉस्पिटैलिटी बॉक्स यहाँ से जाएंगे। तो भाई ज़रूर से IPL देखे और बताओ कमेंट करो यार कौन सी टीम को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। अपना तो CSK है महेंद्र सिंह धोनी का टीम। और ऊपर आते ही ना यहाँ से देखो भाई हॉस्पिटैलिटी बॉक्स से जो व्यू आ रहा है वो देखो ये फुल्ली AC फुल्ली फैसिलिटेड और यहाँ पे खाने से लेके बैठने तक एवरीथिंग इज़ बीन इंक्लूडेड ठीक है। जिसमें गुजराती फूड भी है जिसमें पंजाबी भी है। ये देखो रोटी फिर उंधियू क्योंकि अहमदाबाद में फाफड़ा गांठिया गुजराती टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जलेबी बटर रोटी पनीर भुर्जी बर्फ़ी है मंचाओ सूप है एंड टोमेटो सूप है। और यहाँ पे देखो स्टेडियम्स के रियल फ़ोटोज़ भी है वैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा वैसे कौन कौन अहमदाबाद से कौन कौन ये स्टेडियम में मैच देखा है। भाई मेरा तो ड्रीम है ये स्टेडियम में मैच देखना। बाय द वे गाइस ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है 1,32,000 की कैपेसिटी है ऑलमोस्ट। ये देखो जो साबरमती रिवर दिख रही है आपको तो भाई यही सीन हमने यहाँ पे भी बनाया है ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है कि हम हमारे गुजरात में स्पेशली इंडिया में तो है बट हमारे गुजरात में गौरव और भी बढ़ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी इज़ वेल ठीक है यहाँ पे है। आफ्टर दूसरे नंबर पे आ रहा है MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। अब बारी है कमेंट्री बॉक्स में जाने की जहाँ से हम लोग सुनते हैं माहिमर या फिर विराट का बल्ला माशाल्लाह। वैसे मेरा जो फेवरेट कमेंटेटर है ना इट्स नन अदर देन आकाश चोपड़ा। भाई क्या ही कमेंट्री करते हैं भाई अलग ही लेवल। ये कमेंट्री बॉक्स है एंड कमेंट्री बॉक्स है ना ये हॉस्पिटैलिटी के आपको यही ये दोनों एक ही आजू बाजू मीडिया का एरिया रहता है प्रेस का अलग एरिया रहता है तो ये सारा यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। एंड आपको दिख रहा है कि ये देख रहे हो ये प्रेस बीच में जो है वो मीडिया एरिया प्रेस सेक्शन। और यहाँ पे भी देखो ये जो मैं स्टार्टिंग में व्यू दिखाया था वो वाला आगे का पार्ट ठीक है। एंड भाई मैंने गिन के रखा है जो आगे है ना गोल्डन वो पहली 7 फिर 9 फिर 7 फिर 6 तो वो भी मैंने 7976 वो भी गिन के ही डाली है। तो अगर आप माइनक्राफ्ट में देखें तो भी रियलिस्टिक और यहाँ पे से पूरा कंट्रोल होता है जो अब हम लाइव देखते हैं वो। और सामने जो आपको दिख रहा है वो ड्रेसिंग रूम है तो दोनों टीम्स के ड्रेसिंग रूम बने हैं। वैसे इसके अंदर 4 ड्रेसिंग रूम है बट मैं 2 ही बताऊँगा क्योंकि फ़िलहाल चेन्नई
का मैच है जो कि आईपीएल का गुजरात का ये होम ग्राउंड है टाइटंस, ठीक है, और सुपर किंग्स, तो भाई आईपीएल का पहला मुकाबला एंड मज़ेदार होने वाला है। तो ये कमेंट्री के लिए, तो यहाँ पे मैंने कोई ऐड ऑन यूज़ नहीं किया, पूरे वीडियो में एक ही चीज़ यूज़ किया, वो ऐड ऑन है वो लैपटॉप एंड सीट्स एंड दैट ऑल, जो कि मुझे ड्रेसिंग रूम के लिए चाहिए था। उसमें भी मैंने पहले नॉर्मल बनाया, बट मैंने सोचा कि कुछ अच्छा दिखाया जाए इसीलिए। तो यहाँ पे सिंपल एंड स्वीट रखा है, ठीक है, ये डाइनिंग टेबल छोटे छोटे विद फुल फैसिलिटी, यहाँ पे भी फूड था। अब हॉस्पिटैलिटी बॉक्स तो हमने देखा, कमेंट्री बॉक्स भी देखा, और यहाँ से है ना एकदम छत पे जा सकते हैं हम, एकदम छत पे। तो ये रास्ता भी है, देख रहे हो, तो मैं यहाँ से नीचे उतर के दिखाता हूँ थोड़ा, तो आपको आइडिया आएगा। जो छत वाले शूटिंग होते हैं, इफ़ यू नो गाइस, जो जर्सी के लिए या फिर क्रिकेटर लोगों के सम काइंड ऑफ पोस्ट या फिर स्टेडियम पे जो कैमरा होते हैं जो हर एक एंगल्स पे लगाया जाता है, तो छत के लिए ना ये रास्ता है कि आप एकदम ऊपर जाए स्टेडियम के, ये देखो एकदम छत पे आप यहाँ से जा पाओगे, राइट ऑन द रूफ ऑफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, अहमदाबाद में है ये। और यहाँ से ना हम आ चुके, देख रहे हो एकदम छत पे, और ये पूरा ग्राउंड का व्यू आ रहा है यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और अब फटाक से यहाँ से उतर जाएंगे, और ये जो ऊपर का जो पार्ट है ना, यह पूरा है 360 है, तो यहाँ से ना आप पूरा घूम सकते हो ऐसे ऐसे गोल गोल अंदर की साइड, ठीक है। यहाँ से आपको हर एक एंगल से क्रॉस व्यू है, ये देखो यहाँ से भी व्यू आएगा, तो ये चीज़ है। और स्क्वायर व्यू तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है गाइस, वो भी दिखा देता हूँ, आ जाओ एक बार, फ्लाई करके जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा इसलिए। ये देख रहे हो, ये स्क्वायर व्यू बोलेंगे इसको, यहाँ पे विकेट आपको स्क्वायर दिख रही है। अब यहाँ से नीचे आ जाते हैं वापस हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया भाई आगे का पार्ट। अब बारी है गाइस ड्रेसिंग रूम देखने की, भाई टिकट काउंटर्स देखने की, ठीक है। तो ये सारा तो हमने देख लिया, पब्लिक एंट्री कहाँ से होती है साथ साथ में वीवीआईपीज़ की तो देख ली, क्रिकेटर्स भी अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से एंटर, वैसे आगे से भी एंटर करते हैं क्रिकेटर्स, बट मैं आपको ड्रेसिंग रूम की एंट्री भी दिखाऊंगा क्योंकि 4 ड्रेसिंग रूम अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो सेम रियल में ऐसा है, पीछे की साइड ऐसे, ठीक है। और ये देखो भाई, ये बिल्ड करने में ना सबसे ज़्यादा टाइम गया मुझे, ऊपर का स्ट्रक्चर भी, क्योंकि ये राउंड पूरा मुझे बनाना है, उसके आजू बाजू पूरी वॉल बनानी थी, और पूरा जो कलर कॉम्बिनेशन है स्टेडियम का, और यहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल है, वैसे वहाँ पे थोड़ा दूर होगा, बट यस। तो पब्लिक की एंट्री भी यहाँ पे दो जगह से है, एक तो इस तरफ से गेट है, तो यहाँ से हम आ सकते हैं, और बहुत बड़ा भाई स्टेडियम है, तो यहाँ से एंटर होते, फिर ये टिकट चेकिंग, और फिर अंदर, और एक एंट्री है एकदम सामने से, मतलब ये ड्रेसिंग रूम जो है मैं बताता हूँ, इंडोर गाइस, स्विमिंग पूल है, जिम है, सब कुछ है, सब कुछ बताऊंगा। और ये मेन गेट जो कि मैं बता रहा था, जो मेट्रो स्टेशन है ना, जो सामने आपको ब्रिज है, देखो यहाँ से बस दिख रहा है गुजरात का, और चेन्नई सुपर किंग्स का भी बस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे पार्किंग एरिया, और पीछे बहुत सारा शॉप्स बनाया हूँ, तो वो भी, और ये रहा टिकट काउंटर भी है, यहाँ पे जो नीचे येल्लो कलर का आपको दिख रहा है ना, वो टिकट काउंटर है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे नीचे ब्रिक ब्लॉक्स डाल दिए जिससे काफ़ी बढ़िया लगे, और ये व्यू देखो भाई, लग रहा है ना एकदम रियलिस्टिक स्टेडियम, और एकदम ओपी बिल्ड लग रहा है भाई। ये जो वाई स्ट्रक्चर्स है ना, वो भी वहाँ पे है, तो नहीं अगर आपको पता, इमेजेस देखिए आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे प्रैक्टिस ग्राउंड्स है बाजू बाजू में, और जैसे ही एंटर होते ना, यहाँ पे भी देखो नरेंद्र मोदी स्टेडियम लिखा रहा है, और यहाँ पे भी सारी आईपीएल टीम्स के लोगो है, आईपीएल ट्रॉफी का भी फोटो रहता है बीच में, ठीक है। और यहाँ से फुल पब्लिक एंट्री है, तो भाई यहाँ से भी आप जा सकते हो, और काफ़ी बढ़िया है ये, तो ये भी मुझे पसंद आया एक चीज़ जो मैंने बनाई थी। और यहाँ से जैसे ही हम एंटर करते हैं, मेन गेट है ये, ठीक है, यहाँ पे कोई कार वार कुछ, वैसे सब कुछ यहाँ पे अलाउड नहीं होता भाई, जो, और ये पीछे देखो जीसी है, मैनेज्ड बाई, और हर एक जगह पे आपको पेंटिंग दिखेगा। और ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी रहती है भाई, जब भी गुजरात का मैच हो, क्योंकि यहाँ पे गुजरात के मैच की टिकट ही मिलेगी, इनकी होम ग्राउंड है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट एक थिंग अच्छा है कि हमारा, और हाँ गाइस, यहाँ पे एक कॉर्नर में ना एक टेम्पल भी है हनुमान जी महाराज का, शायद आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट यस, यहाँ से ना पब्लिक एंट्री है, दो रास्ते फिर यहाँ से बट जाते हैं, एक सीधा और एक राइट जाके, तो जैसे ही आपका टिकट चेक हो जाएगा,
और आपका जो भी टिकट नंबर होगा, जो भी गेट नंबर होगा, यहाँ से आप जो चढ़ जाना है, और ऊपर के फ्लोर में अगर है तो यहाँ से मैंने स्टेयर्स भी बनाया ऊपर के फ्लोर के लिए। और ये जो आपको विंडो दिख रहा है ना गाइस, ये ड्रेसिंग रूम यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, मतलब जो प्लेयर्स की एंट्री होती है वो पूरा नहीं। ओके, तो हम यहाँ से, अगर हमारा फॉर एग्जांपल जो टिकट है ये एकदम ड्रेसिंग रूम के ऊपर है, ठीक है, एकदम, तो यहाँ से देखो ये जीटी का रास्ता है, क्योंकि मैंने कारपेट्स भी कलरफुल लगाया है। पूरा आईपीएल में यही होता है भाई, कि जो भी टीम है इंटरनेशनल्स में, देयर रिस्पेक्टिव बैनर्स एंड कलर्स, यू नो, ते देख रहे हो, ये जैसे ही एंटर होते मेरा एकदम ड्रेसिंग रूम के ऊपर का टिकट है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ से ये देखो फुल व्यू आ रहा है, और इसके नीचे ही ना ड्रेसिंग रूम है। तो चलिए वो दिखा देता हूँ, अब ड्रेसिंग रूम की बारी आ चुकी है दिखाने की, कि क्रिकेटर लोग का पूरा एरिया, इंडोर नेट्स भी है गाइस, वो तो मैं बताना ही भूल गया, इंडोर नेट्स भी है, तो वो भी आपको मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। और दिखाता हूँ भाई जो भी बाकी है वो दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। आई नो बड़ा वीडियो हो रहा है, बट भाई इतना मेहनत लगा है यार, तो सारा चीज़ तो दिखाना बनता है ना विथ इंटीरियर, सिर्फ एक्सटीरियर में क्या ही मज़ा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे कार खड़ी है, और पुलिस सिक्योरिटी तो होगी ही भाई, ठीक है। और ये जो देख रहे हो वॉल्स डाली है, इससे आगे पब्लिक अलाउड नहीं होते। तो ये देखो सबसे पहले गुजरात टाइटंस का बस, और कप्तान हार्दिक पांड्या लीडिंग इट, ठीक है। ये चेन्नई सुपर किंग्स का बस है, तो टीम बसेज आर देयर, ड्रेसिंग रूम्स की एंट्रीज भी है यहाँ से दोनों टीम्स की। और भाई ये व्यू देखो, अब ये कमाल का चीज़ है, ये बस का साइड व्यू है, यहाँ से देखो नीचे का डोर खुला है, सब ये टीम किट्स पड़ी हुई है, और अब जैसे ही बस आती है तो रियल में भी ऐसा ही होता है भाई। और पीछे भी एक सिक्योरिटी की जीप है, और बस के पीछे लिखा है देखो चेन्नई सुपर किंग्स। एंड भाई मैं तो पहले से ही धोनी एंड चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम 2008, लेट्स विसल फोड़ू दिस ईयर गाइस। चलो धोनी का सीट बताता हूँ मैं, एकदम राइट कॉर्नर में ना लास्ट सीट होता है महेंद्र सिंह धोनी का भाई, चाहे इंडिया के लिए या फिर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, दिस इज़ द फिक्स सीट फॉर हिम, यू नो भाई, ये ट्रेडमार्क एमएसडी है। तो महेंद्र सिंह धोनी दिखेंगे हमको इन एक्शन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ईयर में सिर्फ एक ही बार दिखता, तो खैर इंटरनेशनल खेलते नहीं है, बट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलता है, एंड माही सबको लुभाता है भाई। ये देखो तो यहाँ पे टीम किट्स पड़ी है, क्योंकि सीएसके है येलो किट्स, और अगर यहाँ पे है तो गुजरात टाइटंस का बस है यहाँ पे आपको दिख रहा है, और क्योंकि ये ब्लू है तो यहाँ पे देखो सियान कलर की किट्स मैंने यूज़ की है, और कस्टम पेंटिंग्स हर जगह यूज़ की है, जिससे इसका लुक है वो दुगुना हो जाए, ठीक है। आपको मैं अगर डाउनलोड देता हूँ, अगर आप 1K लाइक्स करोगे विथ कस्टम पेंटिंग मिलेगा भाई, डिट्टो टू डिट्टो मिलेगा, तो इसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करेगा इस। और यहाँ से अब चलते हैं जो मोस्ट वेटेड पार्ट, ड्रेसिंग रूम, और यहाँ पे भी देखो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन और ये आईपीएल, टाटा आईपीएल, इसके पीछे भी बहुत कुछ है, इमरजेंसी एग्जिट के पीछे वो रहस्य है, ये ड्रेसिंग रूम दिखाने के बाद दिखाऊंगा, सरप्राइज है आप सबके लिए, लेकिन मैंने बता दिया क्या क्या है। ये देखो इस तरफ है ड्रेसिंग रूम, और ये मैं जो बता रहा था पब्लिक को व्यू मिलता है, और ये इंडोर नेट्स, ये भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब जीटी का ड्रेसिंग रूम है, तो यहाँ पे किड्स पड़ी है, और जैसे ही ड्रेसिंग रूम में आते हैं ना, फूड काउंटर द मेन थिंग इज़ फूड काउंटर भाई, ठीक है, सबसे फेवरेट चीज़। और ये एयर कंडीशनर, यहाँ पे सीट्स है, और ये व्यू देखो, ड्रेसिंग रूम व्यू देखो, जो प्लेयर को व्यू मिलता है, तो यस यहाँ पे सीट्स भी है, बैठ सकते हो, लैपटॉप है, जो स्टेट्समैन होते हैं, जो टीम की मैनेजमेंट होती है, ये भी यहाँ पे बैठती है साथ में, ठीक है। और यहाँ पे फ्रूट्स पड़े रहते हैं, तो फ्रूट्स भी मैंने रखे काउंटर पे, एप्पल है, कैरेट है, वाटरमेलन, और टीवी स्क्रीन भी है जहाँ से ये अपडेट्स मिलते हैं। और ये गुजरात टाइटंस का यहाँ पे लोगो है, तो गुजरात टाइटंस का ये ड्रेसिंग रूम है। तो भाई ये तो खैर हमने देखा, फूड काउंटर की बारी है, तो फूड काउंटर में ना गुजराती फूड्स भी होंगे, जैसे हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में थे, बट यहाँ पे देखो स्पेशल गुजराती स्नैक्स, तो फाफड़ा गांठिया, जलेबी और कढ़ी, ठीक है, ये तीन चीज़ सिर्फ स्नैक्स में आएगी, और बाकी यहाँ पे अलग है, ये प्लेट, टोमेटो सूप, यहाँ पे थोड़ा मेनू अलग होगा, हर बार ये नहीं होता, कभी कभी होता है, छोले भटूरे, आलू सब्जी एंड रोटी, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ कैलोरीज एंड प्लेयर नीड टू डू अ लॉट ऑफ जिम, और रेफ्रिजरेटर भी है, तो यहाँ पे मैंने विलेजर्स लगा दिए है। और ये जो है, यहाँ से प्लेयर को अगर नीचे जाना है, या ये देखो यहाँ पे जो ड्रिंक्स देने आते हैं ना, जो प्लेइंग 11 में नहीं होते, और ये रास्ता है जहाँ से प्लेयर्स ग्राउंड पे आते हैं, नीचे आते हैं एकदम,
और ये रहा विकेट जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है भाई, पिच चाहिए मिडिल पिच, जहाँ से ये व्यू देखो, पूरे स्टेडियम का व्यू देखो भाई, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। सामने है ड्रेसिंग रूम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और बाजू में है चेन्नई सुपर किंग्स का ड्रेसिंग रूम, तो वो भी दिखा देता हूँ साथ ही में। ठीक है, जो सिमिलर चीज़ होगा वो नहीं दिखाऊंगा, बट अलग चीज़ होगा वो ज़रूर से दिखाऊंगा। अब बारी इंडोर नेट्स दिखाने की, इनकेस हमने पहले भी नेट्स देखी थी, बट अगर बारिश होती है बाहर तो फिर यहाँ पे ना इंडोर नेट्स में प्रैक्टिस की जाती है क्रिकेटर लोगों की, और यहाँ पे भी पेंटिंग वगैरह है। तो भाई ये चीज़ एक रहता है कि क्रिकेटर लोगों को जब बाहर बारिश होती है, एंड इफ़ दे आर इन द स्टेडियम इफ़ दे वांट अ प्रैक्टिस, ठीक है, इंडोर नेट्स का यूज़ किया जाता है भाई। तो यहाँ पे मैंने इंडोर नेट्स बना दिए साथ ही में, तो ये भी काफ़ी एक बढ़िया चीज़ है। ठीक है, और बाहर अगर प्रैक्टिस करना है तो स्टेडियम के एकदम सामने जो नेट्स अवेलेबल है, जो मैंने पहले ही बताया, जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ तभी बताया, और ये वॉशरूम एरिया, यहाँ पे शावर्स है आफ्टर प्लेइंग, यू नो दे कैन हैव सम शावर, और यहाँ पे वॉशरूम एरिया भी है साथ में अटैच्ड। तो ये बाथरूम है, और इस तरफ भी सेम है, तो ये नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो और भी वीडियो भाई बड़ा होता जाएगा। और यहाँ पे भी सब सिमिलर है, ड्रेसिंग रूम, और इस तरफ लोगो होगा महेंद्र सिंह धोनी की टीम का, चेन्नई सुपर किंग्स का, और टेलीविजन स्क्रीन है, और इस तरफ देखे तो स्कैफोल्डिंग्स वगैरह पड़ा है बैठने के लिए, साथ ही में फ्रूट्स लैपटॉप, और इस तरफ से भी व्यू आ रहा है सिमिलर व्यू, और फूड भी सेम है सब, तो फूड भी नहीं दिखाएंगे अब, और यहाँ से भी नीचे उतर सकते हैं। हाँ गाइस, नाइट व्यू ज़रूर से दिखाऊंगा, क्योंकि नाइट व्यू नहीं दिखाया ये वाले शेडर में, तो नाइट व्यू मैं आप सबको ज़रूर से दिखा दूंगा एक बार। और ये देखो मून देखो, जस्ट नाइट हुआ है, और जो लाइट्स है ना, जो स्टेडियम की लाइट्स, वो भी दिखाता हूँ, जो वहाँ पे जो लाइट्स है, नाइट का एक बार टॉप व्यू ले लेते हैं, फुल्ली ब्राइट, देख रहे हो कितना ब्राइट है, जो लाइट्स है वो अच्छे से काम कर रही है इसका मतलब, और काफ़ी बढ़िया दिख रहा है जो स्टेडियम है वो, अलग ही लग रहा है भाई, पूरा रियलिस्टिक दिख रहा है। गाइस रेट करो यार ज़रूर से, वैसे इट्स अनरेटेबल बट स्टिल रेट करो, ये कितना अच्छा बना है आपके हिसाब से, गिव मी अ जेन्युइन फीडबैक भाई, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ बोल दिया, आपको जो लग रहा है आपकी तरफ से वो बताओ प्लीज़। और ये लाइट्स जो मैं बता रहा था, यहाँ पे मैंने फ्रॉग लाइट्स लगाई है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और जो रेड शुल्कर से उसमें ड्रिंक्स पड़े, जो छोटे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उस टाइप से, ठीक है, तो ये तो हो गया गाइस अब ड्रेसिंग रूम। और यहाँ पे भी ना इंडोर नेट्स है, और फूड तो यहाँ पे सेम है, तो मैं दिखाने नहीं जाऊँगा अदरवाइज, ठीक है, तो इंडोर नेट्स यहाँ पे भी है इस तरफ, ये लोगों की यहाँ पे, उन लोगों की वहाँ पे, तो दोनों टीम को अलग अलग इंडोर नेट्स मिलती है, जिससे ना ये अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाए भाई। तो ये भी हो चुका है, अब ये इस तरफ का इंडोर नेट है, अब चलते नीचे, ठीक है, और जो इमरजेंसी एग्जिट के पीछे जो सारी चीज़ें हैं ना वो मैं दिखाता हूँ भाई, जो इससे भी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगने वाली है गाइस, ठीक है, चलो मज़ा आएगा टू बी ऑनेस्ट। तो ये रहा, यहाँ पे भी वही गेट है इमरजेंसी एग्जिट, लेकिन जाएंगे हम गुजरात के रास्ते से, क्यों वो मैं अभी बताता हूँ। और हाँ, ये बस तो मैंने खैर दिखा दिया था, जिन्होंने नहीं देखा है देख लो भाई, और काफ़ी बढ़िया बना है वेल मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और यहाँ से अब चलते गए इमरजेंसी जो एग्ज़िट है, जो जब भी कोई भी इमरजेंसी एग्ज़िट होता है तो क्रिकेटर्स कैन एग्ज़िट फ्रॉम दिस गेट, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे भी बैनर वगैरह है, यहाँ पे एक एम्बुलेंस है, एक फायर ब्रिगेड है, तो ये जो गेट है ये बंद है अभी, तो यहाँ से एग्ज़िट हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक बड़ा सा मैप है और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन लिखा हुआ है, और यहाँ से इंडोर स्विमिंग पूल, इंडोर जिम, और जो शूट एरिया है वो तीनों नीचे, यहाँ से चेन्नई के ड्रेसिंग रूम से आ सकते हैं, वहाँ से गुजरात के, तो दोनों की टीम के इमरजेंसी एग्जिट गेट से। ये देखो ये शूट स्टूडियो, आईपीएल का या फिर इंडिया का कोई भी क्रिकेटर का जो फोटो स्क्रीन पे होता है, या फिर कोई शूट होता है छोटा बड़ा जो अर्जेंट होता है, या फिर जैसे ये बल्लेबाज आया बैटिंग पे, तो जो मतलब जो पहले से नहीं किया है, तो यहाँ पे इंडोर शूट्स भी अवेलेबल है, तो साथ ही में यहाँ पे शूट हो सकता है, उनकी फ़ोटो खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये शूट एरिया है, और काफ़ी बड़ा एरिया, काफ़ी अच्छा एरिया विद फुल ऑफ फैसिलिटीज़, ठीक है। और अब बारी है, यहाँ पे जिम दिखाऊंगा, और स्विमिंग पूल भी बनाया हूँ तो वो भी दिखा दूंगा,
ये रहा जिम, एंड जिम इज़ कॉमन और स्विमिंग पूल इज़ ऑल्सो कॉमन, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, तो एक साथ बहुत सारे यहाँ पे आराम से जिम कर पाएंगे। बहुत बड़ा जिम है, बहुत सारी ट्रेडमिल्स, बहुत सारे वेट लिफ्टर्स एंड एवरीथिंग, डंबल्स एंड बॉक्सर्स एंड एवरीथिंग, तो भाई बॉक्सिंग के लिए भी अवेलेबल है। और ये शावर्स ले सकते हो इवन आफ्टर द जिम सेशन, और जिनको रिकवरी करनी है दे कैन गो टू द स्विमिंग पूल एरिया, ठीक है, यहाँ से ही बाजू ही है सीधा। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि ट्रेडमिल्स के साथ साथ, हाँ, मिरर्स भी थे, और इधर थोड़ा सा एक सेटिंग एरिया भी है। जैसे ही यहाँ से एग्जिट करते हो ना, जस्ट टेक अ लेफ्ट टर्न, और लेफ्ट टर्न पे आपको क्या मिलेगा, इंडोर स्विमिंग पूल, ठीक है। तो स्विमिंग पूल भी बनाया हूँ, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। और स्विमिंग पूल पे अंदर चलते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही अंदर जाते हैं इंडोर स्विमिंग पूल में, यहाँ पे भी देखो हर जगह कस्टम पेंटिंग, क्योंकि IPL चल रहा है भाई, ठीक है। और अंदर आते 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 सीधा सीधा जाना है, और आ गए। लो यहाँ पे भी पेंटिंग है, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। तो भाई यहाँ पे देखो स्विमिंग पूल है गाइस, और वार्डरोब, फिर जो लॉकर्स है, और फिर यहाँ पे देखो आराम करने की जगह, और यहाँ पे भी टेलीविज़न की बड़ी सी स्क्रीन है, तो आप बैठे बैठे आराम करते करते ना यहाँ पे आप मज़े ले सकते हो। रेफ्रिजरेटर्स भी है, तो ड्रिंक स्पीकर्स भी है, तो यहाँ पे गाने बजते रहते हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इवन यू कैन वॉच, ठीक है, यहाँ पे। और हाँ, शावर एरिया भी है, तो भाई शावरिंग के लिए भी जर से यहाँ पे रखा है मैंने, जो 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 होना ही चाहिए, चेंज रूम भी बोल सकते हो आप एक तरीके से इसके पीछे, यहाँ पे आप शावर्स ले सकते हो। वहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया चीज़ है ये। और ये रहा पूरा स्विमिंग पूल, जिसमें मैंने नीचे है ना प्रिज्माइन का यूज़ किया, तो लगे कि हाँ ये स्विमिंग पूल है भाई, ठीक है। और जो मैं टेलीविज़न की बात कर रहा था, ये रहा बड़ा सा स्क्रीन, थिएटर टाइप का स्क्रीन, एंड इट्स लुकिंग प्रिटी गुड। और यहाँ पे भी देखो IPL का पेंटिंग वगैरह है, ठीक है भाई। तो गाइस बताओ यार कैसा लगा ये पूरा स्टेडियम आपको, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कैसा लगा इन माइनक्राफ्ट। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है मुझे, अराउंड मैंने बताया उतना टाइम, और भाई क्या ही मज़ा आया दिखाने में, पूरा मैंने डे कर दिया। और ये ज़ीरो लेवल पे है, तो यहाँ से ना ये जो दिखाया मैंने दूसरे ड्रेसिंग रूम का रास्ता, तो ये भी हो गया, ड्रेसिंग रूम की बारी हो चुकी है पूरी, ठीक है। एंड बर्ड व्यू दिखाऊंगा आज, ये मैंने आज तक कभी नहीं दिखाया गाइस इन माय एनी वीडियोस, बट आज दिखाने वाला हूँ मैं स्टेडियम का बर्ड व्यू, यानी कि पक्षी ऊपर से अगर उड़ता है, ठीक है, तो कैसा दिखेगा ये पूरा। तो बर्ड व्यू के लिए रेडी रहो गाइस, ये भी एक सरप्राइज था, जिसने पूरा वीडियो देखा है उनके लिए है ये, ठीक है। थैंक यू सो मच कि जिसने भी पूरा वीडियो देखा है उनके लिए है। और ये व्यू देखो, ये तो काफ़ी अच्छा बर्ड व्यू भी नहीं है आएगा। और बाकी तो सारा चीज़ मैंने बता दिया कि हाँ कितने गेट्स है वो भी मैं बताता हूँ। और ये 360 व्यू हमने नहीं देखा था, तो 360 व्यू भी एक बार दिखा देता हूँ। देखो पूरे स्टेडियम का 360 व्यू देखो, इसको इक्वल करने में बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किलात हुई थी। ये जो वाई ब्लॉक्स देख रहे हो ना, वाई स्ट्रक्चर्स जो स्टेडियम को खड़े रखने में हेल्पफुल हो रहे हैं, ये बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई थी मुझे, यू नो। मेन चीज़ तो है मेजरमेंट्स। और यहाँ पे पीछे देखो तो जो मेट्रो जो जा रही है, जो ठीक है ब्रिज, और पार्किंग एरिया एंड एवरीथिंग। हाँ, तो जितने भी गेट्स है वो भी मैं बताता हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पे देखो रोड पे आपको गाड़ियाँ भी दिखेगी, तो ये भी थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने बनाया, क्योंकि आपको एकदम लगे आपकी रियल में आए हो। माइनक्राफ्ट तो क्या हुआ, रियलिस्टिक लगना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आजू बाजू के ग्राउंड्स जहाँ पे ना नेट प्रैक्टिस कर सकते हो, क्रिकेटर लोग भी यहाँ पे करते हैं नेट प्रैक्टिस। और यहाँ पे देखो इवन फूड वैन्स भी मैंने रखी है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे बस स्टैंड है फॉर एवरी नॉर्मल पीपल, अगर बस से ट्रैवल करना चाहते हो, जो ये इसकी एक बस मैंने आगे रखी थी एकदम आगे। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जितने भी गेट्स हैं ना वो सारे गेट्स दिखाता हूँ। एक गेट तो ये रहा, ठीक है, ये वाला गेट जो यहाँ से भी हम सीधा अंदर गए थे पहले एकदम स्टार्टिंग में। और ये यहाँ पे भी एक बड़ा पार्किंग, और यहाँ पे ब्रिज है जो साबरमती रिवर को क्रॉस कर रहा है, तो ये भी चीज़ है। और ये यहाँ पे भी एक गेट है, और ये जो सीधी पट्टी देख रहे हो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बस जो मैं बोल रहा था, तो यहाँ से बहुत एंट्री नहीं मिलती,
क्योंकि यहाँ पे क्रिकेटर्स लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस चलती है, तो यू कैन नॉट गो हियर। और ये रहा, ये होटल, इधर मैंने एक होटल भी बना दी, ठीक है भाई, साथ ही में, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। और ये पूरा मैप तो मैंने खैर स्टार्टिंग में दिखाया था, और ये आगे का व्यू भाई, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा यार, ज़रूर से बताना इन द कमेंट सेक्शन। और अब बारी है नाइट व्यू की और उसके बाद बर्ड व्यू की, ठीक है भाई। तो चलिए गाइस, लेट्स स्विच टू द बर्ड व्यू। तो भाई बर्ड व्यू भी कैसा लगा गाइस, ज़रूर से बताना इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो, और भाई ज़रूर से शेयर करना, ठीक है गाइस। मिलेंगे नए वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।